हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर मेंसुरेशन से एक शॉट पे एक मार्क्स पक्का। और ये एक बढ़िया सवाल आपके सामने, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्क्वायर का अगर मैं आपको एरिया दे दूं, तो एक स्क्वायर का अगर मैं आपको एरिया दे दूं जो कि स्क्वायर के, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इस केस में हम कह रहे हैं आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 50। तो यहाँ पर कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर आपको अगर पता है तो आप बताइए डायगनल की लेंथ कितनी होगी। तो डायगनल की लेंथ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर equals to a square plus a square, a square की value हमें known है, तो hypotenuse square आ जाएगा 50 plus 50, that is 100, और hypotenuse हमारा निकल के आएगा 10 centimeter, मतलब B option। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप follow करते रहिए MagnaBrainz को।